हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें टीचिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टीचिंग एम्पलीट्यूड जो है आपके एनवीएस के सिलेबस में दे रखा है। तो हम लोग डेली या अल्टरनेट डेज पे 10 से 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले जो है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, टू सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, टू आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, टू इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। आपको इन चारों ऑप्शंस पे बताना है कि सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग का कौन सा है। तो सबसे बेस्ट मेथड जो टीचिंग का है वो है टू इनिशिएट अ डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। जब हम कोई भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। तो इसी वजह से डिस्कशन जो होता है टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ लिसनिंग इज डन विथ एन एम टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। एम्पैथिक लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग या अप्रिशिएटिव लिसनिंग। किस टाइप की लिसनिंग को आप करते हैं जब आपको किसी दूसरे पर्सन को सुनना होता है। तो जब हमको किसी दूसरे पर्सन को जानना होता है तब हम लोग जो है एम्पैथिक लिसनिंग को यूज करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लिसनिंग जो होता है लिसनर का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है, और अगर हम लोग को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है तो लिसनिंग का जो स्किल है वो काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। अगर हम लोग लिसनिंग के को डिवाइड करने के टाइप्स को देखें तो सबसे पहला आता है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग होता है कि हम किसी रीजन से किसी को सुन रहे हैं। एम्पैथिक लिसनिंग में जब आप किसी को समझने के लिए किसी को सुन रहे हैं। इवेल्युएट लिसनिंग, जब आप स्पीकर के मैसेज को इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब उसका एक्यूरेसी, उसके मीनिंगफुलनेस, उसका यूज, आपको जो भी आप उसकी बातों को सुन रहे हैं इवेल्युएट करें। अप्रिएशन लिसनिंग, मतलब जब आप किसी को लिसनिंग में जब आप किसी को सुन रहे हैं उसमें कुछ इमोशन आए, कुछ फन आए, कुछ इंजॉयमेंट हो, तो वो सब जो होता है अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। मैं थोड़ा सा गला आज खराब है उसके लिए सॉरी, लेकिन इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच टीचिंग इम्प्लॉयज द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, लार्ज ग्रुप टीचिंग, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में किस टाइप के टीचिंग को आप यूज करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में जो है हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड्स को यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को देखते हैं क्या होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड एक टाइप का इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम लोग जो सेल्फ लर्निंग मेथड को ज़्यादा अप्रोच करते हैं। इसमें टीचर जो है स्टूडेंट्स को खुद से सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो इसी वजह से ह्यूरिस्टिक मेथड क्या कहलाता है, पर इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इंस्ट्रक्शन डिवाइस इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा सिम्बॉलिकली, ग्राफ्स, मैप्स, डायग्राम्स, पोस्टर। किस इंस्ट्रक्शनल डिवाइस से आप डाटा को सिम्बॉलिक के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ग्राफ। ग्राफ जो होता है एक टाइप का किसी भी डाटा को इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। एक ग्राफ जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल डाटा को सिंपल आराम तरीके से शो करता है। जैसे ग्राफ के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, पिक्टोग्राफ्स। अगर हम टू डायमेंशनल ग्राफ की बात करें तो जिसमें हमारा इंफॉर्मेशन को हम दो कोऑर्डिनेट्स पर डिवाइड करते हैं, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो अगर डाटा को सिम्बॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो वो हमारा ग्राफ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू परसीव इमोशंस एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस टू डू समथिंग, टू लर्न समथिंग फ्रॉम इमोशंस एंड फीलिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इन चारों में से बताना है किसको डिफाइन करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें से सभी को डिफाइन करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक टाइप का एबिलिटी है जिसमें आप किसी भी इमोशंस या तो खुद को समझ सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, सोशल स्किल्स जो आपका आपका खुद पे कंट्रोल हो सकता है, आप समाज से अवेयर हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैथड यूज बाई टीचर्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स डिसिप्लिन, लेक्चर मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड। किस टाइप का जो मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा जो साइंस और मैथ्स के टीचर यूज़ करते हैं पढ़ाने में। तो जो सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ्स के टीचर जो पढ़ाने में यूज़ करते हैं वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड है। डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड मतलब होता है कि जिसमें आप विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ा रहे हो। तो जो साइंस और मैथ्स के टीचर होते हैं
वो ज्यादातर आपको शो करते हैं कुछ एक्टिविटीज, या तो जैसे साइंस में तो बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं तो उसको आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही देना होता है, तो वो हमारे किस में आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ टीचिंग। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स और नेचर को रिलेटेड। इट कॉजेज ए चेंज इन बिहेवियर, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, इट इज़ एन इंटरेक्टिव एंड सोशल प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, या ऑल ऑफ द अबव। तो टीचिंग का अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये एक टाइप का इंटरेक्टिव मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और एक ये इस टीचिंग से क्या होता है कि आप एक दूसरे को, आपका लर्निंग भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, और आपके बिहेवियर में चेंजेस भी आते हैं। तो जो इसके आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट नॉलेज कैन ऑनली बी अचीव फ्रॉम द मैनिपुलेशन ऑफ मेड ऑब्जर्वेशंस एंड थ्रू एन इंट्यूशन। कैरोल जंग, सिगमंड फ्रॉइड, इमैनुअल कांट, या जीन पियागेट। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने ये डिफाइन किया कि नॉलेज जो है बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस से आपको आता है। तो ये जो है आपको किसने डिफाइन किया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज अच्छे से गेन करना है, जब आपके पास बहुत सारे उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होंगे तो आपका जो नॉलेज होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दैट रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज एंड आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, एनुअल एग्जामिनेशन, टर्म टेस्ट, या फील्ड ट्रिप। किस टाइप का एग्जामिनेशन आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली से हम लोग को पता चल रहा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग से हम लोग स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज और उसके आंसर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉरी थॉट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेशल टास्क इज नॉन टू बी कोऑर्डिनेशन, मेटा कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, या कम्प्रीहेंडिंग। तो जब इसमें देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा मेटा कोऑर्डिनेशन। इसमें आंसर में टिक लगा लीजिएगा मेटा कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे जो है मेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब पहले समझिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपकी जितनी भी डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इवेल्युएशन, डिसीजन मेकिंग, जो आप अपने एबिलिटी, अपने मेंटल प्रोसेस की एबिलिटी से जो करते हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मेटा कोऑर्डिनेशन वो कहलाता है जिस भी एक्टिविटी को आप करने से पहले सोचते हैं, उसको प्लान करके करते हैं, वो आपका मेटा कोऑर्डिनेशन में आता है। तो यहाँ पे पूछे फॉरी थॉट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ, किसी भी टास्क को आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मेटा कोऑर्डिनेशन। ये उसके एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू डिग्री एजुकेशन इज ए सोशल नीड, पर्सनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, या एजुकेशनल नीड। डिग्री के हिसाब से एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन एक टाइप का सोशल नीड है, समाज की जरूरत है। तो आज के ये थे 11 क्वेश्चन, हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको बताना था इन चारों ऑप्शन में से बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है। सेकंड था कि आप कौन से लिसनिंग को यूज़ करते हैं जब आप दूसरे पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। फिर थर्ड है कि आप ह्यूरिस्टिक मेथड में किस टाइप का टीचिंग होता है। फोर्थ है कि आप कौन से इंस्ट्रक्शनल डिवाइस को यूज़ करते हैं जब आप डाटा को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिक्स फिफ्थ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिक्स है कि आप कौन सा मैथ्स और साइंस के टीचर किस टाइप के मेथड से स्टडी करवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स या टीचिंग का नेचर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप नॉलेज को अच्छे से गेन कर सकते हैं बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपका जो टर्म है, जो एग्जामिनेशन में जो भी रिस्पॉन्सेज और आंसर्स है, जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करते हो, किस टाइप का टीचिंग आता है। फिर उसके बाद आप जो भी कोई भी स्पेशल टास्क को आप प्लानिंग करके मॉनिटर कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, मेटा कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद डिग्री के हिसाब से एजुकेशन क्या है, तो एक टाइप का सोशल नीड है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको पढ़ के इसका नोट्स बना के तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।